हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है सीज़र को लेके। दोस्तों, कई बार सीज़र को हमें अपने बैग में डालकर लेके जाना होता है, लेकिन अगर हम इसी तरीके से लेकर जाते हैं तो हमें डर रहता है कि हमारे बैग को ना काट दे। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए लेना है आपने अपने घर पर रखा हुआ इस तरीके से बैलून, और बैलून लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने सीज़र के ऊपर इस तरीके से बैलून को चढ़ा देना है। इस तरीके से आप अपने बैग में सीज़र को डालकर लेकर जाएंगे तो ये आपके बैग को बिल्कुल भी नहीं काटेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नेल पेंट को लेके। दोस्तों, नेल पेंट लगाना तो हम सब लेडीज़ को बहुत पसंद होता है, लेकिन नेल पेंट लगाने में सबसे बड़ी ये दिक्कत आती है कि जैसे ही हम नेल पेंट अपने नेल्स पे लगाते हैं तो अक्सर क्या होता है, नेल पेंट इस तरीके से हमारे साइड की स्किन के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण हमें इसको मिटाने में काफ़ी दिक्कत होती है और साथ साथ हमारा दूसरा हाथ या कपड़ा जो भी है वो ख़राब हो जाता है। तो इसका भी बहुत बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके से आपने घर पे रखी हुई क्लोथ क्लिप। क्लोथ क्लिप लेने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने उंगली में लगा देना है क्लोथ क्लिप। और इसके बाद जब आप नेल पेंट लगाएंगी तो आप देखेंगी कि आपका नेल पेंट बिल्कुल भी बाहर नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से नेल पेंट लगाएंगी तो आपका नेल पेंट बिल्कुल भी आपके साइड की स्किन पे नहीं लगेगा, जिसके कारण उसको आपको बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा और आपकी नेल पेंट बहुत ही अच्छी तरीके से लग पाएगा। ये देखिए, मैंने लगाई है तो साइड्स में मेरे बिल्कुल भी नेल पेंट नहीं लगा है, बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच लगा है। इस तरीके से जब भी आप नेल पेंट लगाएं तो आप इस क्लोथ क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ब्रास से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, आई होप वो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। सबसे पहला हैक तो है ब्रा की लूज़ होने को लेकर। दोस्तों, ब्रा तो हम सब लेडीज़ पहनते हैं, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद क्या दिक्कत आती है कि हमारी ये जो इलास्टिक है ये लूज़ हो जाती है। अगर हम इसी तरीके की लूज़ ब्रा को वियर करते हैं तो हमारी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो इतनी महंगी ब्रा को हम फेंक भी नहीं सकते, तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आप क्या करें। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन लेने के बाद आप अपनी कमर का नाप लेकर देख लीजिए कि आपको कितनी ब्रा को टाइट करना है, और टाइट करने के बाद जहाँ भी आपको टाइट करना है उस जगह पे आपने लगा देना है इस तरीके से सेफ्टी पिन को। जब आप सेफ्टी पिन लगाएंगी तो आप देखेंगी कि आपके पीछे की साइड पे आपका इस तरीके से एक हुक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब आप अपनी ब्रा को ये देखिए इस तरीके से आप सेफ्टी पिन में अपने ब्रा को लगा दीजिए, ये हमारा एक टाइप का हुक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब आप अपनी ब्रा पहनेंगे तो आपकी ब्रा उसी फिटिंग में आएगी जिस फिटिंग की आप नई खरीद कर लेकर आए थे। इस तरीके से आप सेफ्टी पिन की मदद से अपनी ब्रा को टाइट कर आसानी से बियर कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, मेरा अगला हैक भी ब्रा को लेकर है। ये तो दोस्तों मैंने बताया कि किस तरीके से आप अपनी लूज ब्रा को टाइट कर सकती हैं, लेकिन कई बार हम मार्केट से नई ब्रा लेकर आते हैं तो उसकी इलास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट होती है। जब हम उसको वियर करते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा रैशेज पड़ जाते हैं और हमें अनकम्फर्टेबल भी काफ़ी फील होता है। तो उसका भी जुगाड़ है, उसके लिए भी आपने लेनी है सेफ्टी पिन। और सेफ्टी पिन लेने के बाद आपने इसके जो हुक वाला साइड है उसकी फ्रंट साइड के ऊपर आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से जब आप सेफ्टी पिन को लगा देंगे तो आपका इतना जो हिस्सा है आपको लूज मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने हुक को इसके अंदर इस तरीके से डाल सकती हैं। इस तरीके से आपको इतना गैप मिल जाएगा और आपकी ब्रा जो है लूज हो जाएगी। इस तरीके से आप सेफ्टी पिन की जुगाड़ से अपनी ब्रा को टाइट और लूज भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं ब्रा के अगले हैक की तरफ। दोस्तों, जब भी हम ब्रा को वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए डालते हैं तो आपने देखा है इसके जो हुक होते हैं वो हमारे सारे कपड़ों के साथ उलझ जाते हैं, जिसके कारण हमारे कपड़े तो फट जाते हैं और कई बार हमारी महंगी वाली ब्रा भी खराब हो जाती है। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है कि आपने क्या करना है। पहले तो आपने कर लेने हैं इस तरीके से हुक इसके बंद। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने इसके पीछे वाले हिस्से को आपस में, जो इसका हुक वाला हिस्सा है इसको आपस में आपने इस तरीके से मोड़ देना है। और इसके बाद आपने लेना है कोई भी मोजा, और मोजा लेने के बाद आपने इस पीछे वाले इसके हिस्से को आपने डाल देना है मोजे के अंदर, और मोजे को आपने लगा देने हैं एक रबड़ बैंड, ताकि आपके मोजे में से ये बिल्कुल भी ना निकले।
इसके बाद आप अपने ब्रा को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डालेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके जो हुक हैं दूसरे कपड़ों के साथ उलझेंगे नहीं, जिससे कि ना तो आपके दूसरे कपड़े फटेंगे और ना ही आपकी ब्रा फटेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी ब्रा भी क्लीन हो जाएगी। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की वैसलीन की डिब्बी को लेकर। दोस्तों जब वैसलीन की डिब्बी खाली हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अक्सर इसको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं, तो आज इसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए लेनी है आपने घर पे रखी हुई इस तरीके की वैसलीन की खाली डिब्बी, और डिब्बी लेने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो ऊपर वाली कैप है इसके ऊपर आपने किसी गर्म नाइफ की मदद से गोल छेद बना लेना है। ये देखिए मैंने गोल छेद बना लिया है। गोल छेद बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है शॉर्पनर, और शॉर्पनर लेने के बाद आपने किसी ग्लू की मदद से इस होल के ऊपर आपने अपने शॉर्पनर को चिपका देना है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, दोस्तों जब भी बच्चे पेंसिल को शॉर्प करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, उसका जो कचरा होता है वो सारा इधर उधर फैला देते हैं, जिसको साफ करने में हमारा काफ़ी सारा टाइम खराब हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप ये वाला टूल बना लेगी तो इसके बाद जब आप बच्चे को शॉर्पनर शॉर्प करने के लिए देंगी तो क्या होगा कि जो पेंसिल का जितना भी डस्ट है वो आपका इस डिब्बी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जो भी आपका बाहर का सरफेस है बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, और जब आपका पेंसिल शॉर्प हो जाए तो आप इसके डस्ट को निकाल कर डस्टबिन में फेंक सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों इनमें से कोई भी टिप अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, और इसी तरीके से और भी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।